गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम धातु परिचय का के बारे में हमने विस्तार से जान लिया कि धातुएं दो प्रकार से होती हैं। एक धातु होती है परिवर्तनीय, एक होता अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय जो अपने मूल रूप से नहीं बदलता, वो हमने पहले वीडियो में देखा। पॉइंट उल्लेख, ये जो है अपरिवर्तनीय धातु है जो रूप बदल जैसा है, जैसे दिस का पश्य हो जाए, पा का इक हो जाए, दा का यच हो जाए, तो वो परिवर्तनीय धातु है। विद्यार्थी यहाँ देखना है कि धातु रूप लट लकार, लट लकार का होता प्रेजेंट टेंस, जो क्रिया वर्तमान काल में होती है उसको कहते हैं हम लट लकार। जैसे वह पढ़ता, वह लिखता है, वह जाता है, ठीक है। अब वह लट लिखता है, जाता है, पढ़ता है, खाता है, इसको बनाने के लिए क्रिया बनानी पड़ेगी। क्रिया को बनाने के लिए यहाँ तो हमारे पास तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में यहाँ धातु के साथ ही प्रत्यय जोड़ना है, जैसे धातु है उसके साथ प्रत्यय, अति, अत, अंति, असि, अत, अत, आमी, आवा, आमा। अब यहाँ अगर हम पढ़ धातु के साथ, यहाँ जैसे धातु, धातु है पढ़, तो उसके साथ ये प्रत्यय जोड़ेंगे अति, तो अति प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अति, ये हो जाएगा पठति। क्या हो जाएगा? पठत। पठत का अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ता है। तो उसी प्रकार के ये प्रत्यय आपको याद करना होगा, अति, अत, अंति, असि, अत, अत, आमी, आवा, आमा। तो इसको आप आज याद शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद कर सकते, ती, त, अंति, सी, त, थ, आमी, आवा, आमा। तो इसके साथ आप बोलेंगे, जैसे पठ का अर्थ ये हो जाएगा पठति, फिर ये हो जाएगा त, इसी तरह ये हो जाएगा पठता, ये होगा पठति। मध्यम पुरुष धातु के साथ सी आ जुड़ेगा, यह हो जाएगा पठसी, ये हो जाएगा पठ, ये होगा पठत। फिर यहां जुड़ना आमी, आठ मात्रा लगाना है पठ धातु, ये हो जाएगा पठामी, पठावा और पठामा। इस प्रकार के लट लकार का रूप होगा। पठती पढ़ता है, पढ़ता दो पढ़ते हैं, पठंती सब पढ़ते हैं, पठसी तुम पढ़ते हो, पठता तुम दो पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो, पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावा हम दो पढ़ते हैं, पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ इस तरह से ईटा अंति सी था आमी आवा आमा लगा करके क्रियाओं को बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लट लकार। जैसे अब दृश्य धातु है, दृश्य का क्या हो जाएगा पश्य, तो पश्य में तीता जुड़ेगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामी, पश्यावः, पश्यामः। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामी, पश्यावः, पश्यामः। तो जो भी धातुएं आपने पढ़े हैं उनके साथ ये प्रत्यय आप जुड़ेंगे तो आपका वह रूप बन जाएगा, और फिर वह कर्ता का साथ उसका प्रयोग कर, कर्ता जैसे आपने स, त, ते पढ़ा तो हो जाएगा स पठत, स पठता, स पठन्ति। मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होता है त्वं, युवां, यूयम, ये हो जाएगा त्वं पठसि, युवां पठता, यूयम पठत। यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष का हमें कर्ता देखा था सर्वनाम परिचय में, अहम, आवाम, वयम, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः। तो विद्यार्थी यहाँ आपने लट लकार के धातु रूपों को कैसे बनाया जाता है उसको आपने सीखा। यह प्रत्यय आपको याद हो जाएंगे तो आप इस रूप को याद बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इन प्रत्ययों को आपको याद करना है और फिर हम बाकी धातुओं के साथ उस धातु रूप को सीखेंगे। धन्यवाद।